गुड इवनिंग एवरीवन। अभी हम लोगों ने जैसे देखा, आज हिमाचल का एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया एचपीएस प्रीलिम्स, और जीएस को लेके जैसे एक चर्चा हम लोगों ने करनी थी। अभी हम लोगों ने डिटेल डिस्कशन भी किया कि किस तरह से जो है पेपर के क्या क्या सॉल्यूशंस रहेंगे। हमने हमारे टेलीग्राम के ऊपर कई सारी ऐसी पीडीएफ आप लोगों से शेयर करी है सब्जेक्ट वाइज, जिसमें अलग अलग फैकल्टीज ने ये दिखाया कि कई सारे सवाल इस बार जैसा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हम लोग हमारी तो अपेक्षा थी कि बहुत कठिन एग्जामिनेशन आएगा, लेकिन उतना कठिन नहीं आया एग्जामिनेशन। और देखा जाएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन, जैसे हम लोग जो क्लेम करें तकरीबन 80-85% क्वेश्चन जो है डायरेक्टली क्लास नोट या टेस्ट सीरीज, क्योंकि इतने सारे मॉक टेस्ट हम लोगों ने आपके साथ शेयर किए गए हैं, उनमें से बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ ऑफलाइन या लाइव ऑनलाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट ही थे। उसमें से भी जैसे एक हमारा सेशन है, मैं हम लोग पिछले एक साल से एक सीरीज के ऊपर काम करें जिसमें हम डेली बेसिस पे 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जनरल स्टडीज के। तो इन 15 MCQ के अंदर हम लोग देखते हैं कि 5,000 क्वेश्चन जो है हम लोगों ने पिछले एक साल के टेन्योर में आप लोगों के साथ डिस्कस किए। तो इन 5,000 क्वेश्चन में से जैसे ये सीरीज भी है आप लोगों के लिए फ्री एक्सेसिबल भी है, आप इस चीज को, ऐसा नहीं है कि अननेसेसरी क्लेम है ये। तो आप देखेंगे कि इसमें हमारे आप ऐप सिविल स्टैप हिमाचल ऐप के अंदर जाएंगे, या आप हमारी वेबसाइट ऊपर देख सकते हैं civilstaphimachal.spi.com, उसके अंदर एक फ्री कोर्स है जीएस एमसीक्यू रिविजन कोर्स, और इसमें टॉपिक वाइज भी हमने एमसीक्यू डिस्कस किए। इसके अलावा एक और कोर्स है, उसका एज इट इज थंबनेल है, यही कोड है जीएस एमसीक्यू रिविजन सीरीज, उसमें शब्द टॉपिक वाइज मिसिंग होगा। उसके अंदर भी आप देखेंगे तकरीबन 4,000 या 3,500 क्वेश्चन पड़े हुए हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चंस, और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन उनके अंदर दी गई है। तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह सा एक इकोसिस्टम हम लोगों ने डेवलप करने की कोशिश करी कि आप जो है चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ा हो, चाहे आप घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी कर लो, जो सेल्फ स्टडी के बाद के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हम लोगों को टेस्ट सीरीज चाहिए ताकि हम इवेल्युएट कर पाए और अपने कंटेंट को एनरिच कर पाए, उसके बाद आंसर राइटिंग के जो सेशंस हैं, जैसे हमने अपने इसी सीरीज के अंदर आप यहीं पर देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में एचएस एग्जामिनेशन मेंस में आए हुए सवाल सब्जेक्ट वाइज और उनके सॉल्यूशन और मॉडल आंसर को डिस्कस किया हुआ है। ऐसी एक हमारा प्रोग्राम चलता है जिसके अंदर हम डेली बेसिस पे 1 क्वेश्चन अ डे देते हैं, पेड प्रोग्राम है, लेकिन वो आपकी इवेल्युएशन, आंसर राइटिंग की स्पीड, आंसर राइटिंग के कंटेंट को इतना एनरिच कर लेता है कि आप जब एग्जामिनेशन में अपियर होते हैं तो वहां पे एक अच्छा कंटेंट लेके जाते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 1 क्वेश्चन अ डे 6 महीने का प्रोग्राम है, 180 दिन और 210 दिन 6 से 7 महीने का प्रोग्राम है। तो ऐसे कई सारे इनिशिएटिव सिविल स्टेप के हैं जिसने पूरा एक इकोसिस्टम अब कवर कर लिया है, जिससे हम बड़े कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि अगर आप चाहे हमारे साथ जुड़ के फुल फ्लैश हमारे फाउंडेशन कोर्स के साथ जुड़ के और उसके बाद टेस्ट सीरीज के थ्रू इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो, या आप चाहे किसी भी एकेडमी से पढ़े हो, कहीं से भी आपने खुद भी सेल्फ स्टडी करे हो, तो आप अपने कंटेंट को अपडेट जरूर कीजिए। हिमाचल में जो बहुत लार्ज स्केल में मेरे को एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि बच्चे बहुत ज्यादा फीडबैक को लेके जो है इनटू नहीं है और ओपन नहीं है। वो क्या करते हैं, क्लोज इकोसिस्टम में तैयारी करते हैं। इतनी सारी लाइब्रेरीज में हम देखते हैं कि बच्चे पढ़ तो रहे 10-10 घंटे, लेकिन आप समझो कि अननेसेसरी बिना डायरेक्शन के एक ही रट के अंदर चीजों को पढ़ते चले जाना, और एक जैसा घोड़ा चलता है उसकी तरह सीधे देख रहे हो, लेकिन यू आर नॉट ओपन टू द चेंज, यू आर नॉट ओपन टू द फीडबैक। तो इन सर्विसेज के अंदर जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उनमें ये बहुत डेट्रीमेंटल होता है। तो जैसे हम लोगों का भी अपने टाइम पे फेलियर किया था कि हम अपने आप को इतने बड़े 30 मार्क खान समझते हैं, धुरंधर समझते हैं, हमें लगता है कि हमें किसी से फीडबैक की जरूरत नहीं, और ये बहुत बड़ा कारण है कि लोग 5-5, 6-6 साल जो है एचएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स निकाल लेते तो मेंस नहीं निकलता, मेंस निकल लेता है तो इंटरव्यू नहीं निकलता, तो उसी रट के अंदर अपने करियर को खराब कर रहे हैं। तो यू शुड बी ओपन टू फीडबैक, और ऐसे वो फीडबैक का ये मतलब नहीं कि आपने किसी पेड कोर्स को एनरोल करना है। ऐसे बहुत सारे हमारे फ्री प्रोडक्ट हैं जिसमें हम YouTube के ऊपर आंसर राइटिंग सेशंस करवाते हैं, फ्री मेंटोरशिप है, और उसके साथ इस तरह के एमसीक्यू सेशन है जिससे इस बार बहुत सारे क्वेश्चंस और टीचर्स ने अपनी पीडीएफ फाइल क्लेम करी है, और पीडीएफ फाइल के अंदर यही स्नाइपेट लगाए हैं जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, स्कोर्स के अंदर के स्नाइपेट्स हैं जो ऑलरेडी हमने लाइव फॉर्मेट में आप लोगों के साथ साझा किए, राइट। तो ये काफी ज्यादा उपयोगी सेशन है, और हम जो इतना बड़ा क्लेम करें, क्योंकि देखो मेंस में प्रिडिक्ट करना बहुत आसान है हम लोगों के लिए। हम अभी एक नई सीरीज शुरू करेंगे 500 क्वेश्चन, जिसके अंदर हम लोग वैल्यू एड करवाएंगे आपके अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर, जिससे हम क्लेम करेंगे कि 90-95% आपका मेंस का पेपर आएगा। लेकिन प्रीलिम्स का दायरा इतना बड़ा होता है कि उसमें इतना ज्यादा क्लेम करना कि 80-85% क्वेश्चन आपके पढ़ाई में से आ जाए और आपके सेशंस में से आ जाए, वो बहुत कठिन है। उस चीज को हमने इस बार अचीव किया है। तो हमारी अचीवमेंट ये नहीं है कि हमारे बहुत सारे बच्चे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को निकालेंगे, हमारे लिए अचीवमेंट है कि हमारे पढ़ाए और हमारे इकोसिस्टम के अंदर से कितना सारा पेपर जो है कमीशन एज इट इज पूछ लेता, वो हमारे लिए सेंस ऑफ अचीवमेंट है। वो इस बार हम लोगों ने हर साल हम उसका परसेंटेज जरूर कैलकुलेट करते। तो पिछले 3 सालों में, और ये तीसरा साल है जब हमने लगातार इसमें इंक्रीज किया, और इस बार प्रीलिम्स के अंदर 80-85% क्वेश्चन जो है हमारे इन्हीं सेशन से आए हैं।
तो हमने प्रिपरेशन को तीन लेवल पे ब्रेक डाउन कर दिया। एक जो हम अपनी क्लासेस में पढ़ाते हैं, दिस इज जस्ट 70% ऑफ द कंटेंट यू रिक्वायर टू क्लियर द एग्जामिनेशन। रेस्ट ऑफ द 30% कंटेंट इज बीइंग ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ अवर पेड टेस्ट सीरीज और विद द हेल्प ऑफ दिस फ्री एमसीक्यू सेशंस, जिसमें हम बाकी का कंटेंट आप लोगों को डिलीवर करते हैं। तो इन दोनों को अगर फ्यूज करेंगे तब जाके आपका पेपर क्वालिफाई होता है, राइट? तो इस अप्रोच पे आप लोगों को चलना है, लगातार अपने कंटेंट को अपडेट करना है। तो हमारे इन फ्री सेशन से जरूर जुड़ के रखें। जिन लोगों का इस बार पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ या आपको आइडिया आ जाता है हर किसी को पेपर देने के, एक दो दिन के अंतराल के अंदर हम लोग कट ऑफ की प्रिडिक्शन करेंगे बच्चों के साथ बात करके, तो वो कट ऑफ की प्रिडिक्शन के बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि आप किस जो है कितना आप स्कोर कर पा रहे हो और कितना नहीं कर पा रहे हो। तो अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो हताश नहीं होना है आपने, यू शुड बी ओपन टू फीडबैक। आप देखो यार कमी कहां रह गई है और उसको कैसे फिक्स अब हम लोगों को करना है, राइट? तो इसलिए ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव ये था कि एटलीस्ट यू शुड नो कि वी शुड बी ओपन टू फीडबैक, राइट? तो ये एक सोच लेके हम जो है तब जाके अगले साल की तैयारी कीजिए। अगर इफ यू आर नॉट ओपन टू द फीडबैक और उसी पुरानी लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम को रटने वाले लाइब्रेरी में बैठ के, तो दैट इज ऑफ नो गुड यूज, राइट? तो इट विल टेक यू टू नो वेयर। तो जस्ट टॉक टू मी, है ना, हमारे नंबर आप लोगों के पास है, डिस्क्रिप्शन में भी है, जस्ट टॉक टू मी, वे आउट निकालेंगे। और पहले कितने सारे बच्चों ने ऐसे ही हताश होकर ऑलमोस्ट तैयारी को छोड़ के दोबारा से हम उनको तैयारी में लेकर आए, उनका रैंक निकाला है, राइट? तो आपका भी निकल सकता है, बस हमें एक कमिटमेंट चाहिए होती है और थोड़ा सा एक ओपन जो है एटीट्यूड चाहिए। क्यों सर? बिल्कुल सर, एक बात मैं भी कह रहा था, फ्री सेशन की बात कर रहे थे, अभी हमने फ्री सेशन जो लिए थे 10 MCQ और 15 MCQ, मैंने सारे जो हमारे फ्री सेशन हैं और हमारे जो बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ जो हमारे पेड कोर्सेज में, सबसे कहा था इनको जरूर अटेंड करो, ये सारे जो है वो आपके लिए बहुत जरूरी हैं और आपको बिल्कुल यहीं से डायरेक्ट पेपर देखने को मिलेगा। हमारे सारे टीचर्स ने खुद क्वेश्चंस बनाए थे सीधा, कोई भी कॉपी कहीं से भी नहीं था, सब टीचर्स ने खुद क्वेश्चंस बनाए, वैसे के वैसे कमीशन में देखने को मिले हैं। आप देखो कोई भी सब्जेक्ट उठा के देखोगे, सबके वैसे के वैसे, एक आधा ऑप्शन चेंज करके तकरीबन वैसे का वैसा डाला गया है। तो बात यह है कि भाई रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हम कुछ छोड़ेंगे ही नहीं ना, हम इतना कवर कर देंगे कि कुछ बचेगा ही नहीं। तो आप क्या करें, आप जो भी अपनी तैयारी करते तो साथ में हमारे जो सेशंस हैं उन्हें जरूर अटेंड करें, और रेगुलर बेसिस पे करोगे तो उतना ही ज्यादा फायदा मिलेगा। रेगुलर तैयारी करना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, ठीक है? तो इसीलिए जो है वो जो लोग हताश हो रहे हैं, हताश मत होइए, बस रेगुलर तैयारी करनी है। हम उसके लिए वचनबद्ध हैं कि आपको लगातार अच्छा मटेरियल देते रहेंगे, अच्छे नोट्स देते रहेंगे, हमारे पीपीटी सब जो है आप देखोगे कि सब उसी में से है, कुछ भी नहीं है, मैं आप कह लो 10% पेपर है बाहर से, बाकी सारा उसके अंदर से। हमारे अगर आप जो हमारी टेस्ट सीरीज आपने ली है तो फिर तो आपको पूरा पता लग जाएगा भाई कुछ बचा ही नहीं हमारी तरफ से, ठीक है? चलो सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।